तो निशाने पर कौन और निशाना किस पर? करीब एक महीने से चौटाला परिवार को एक करने की कोशिश कर रही खाप पंचायत अब पीछे हटती हुई नजर आ रही है। दरअसल खाप का कहना है कि दुष्यंत चौटाला फैसला लेने में देरी कर रहे हैं, तो वहीं दुष्यंत का कहना है कि जब उन्हें पार्टी से निकाला गया तब खाप कहा थी। इस पूरी रिपोर्ट में देखिए और समझिए। क्या अब एक नहीं होगा चौटाला परिवार? क्या चौटाला परिवार में बरकरार रहेगी राज? क्या खाप बंद कर देगी अपनी कोशिश? क्या वाकई दुष्यंत को किया जा रहा है टारगेट? जब परिवार की पांचों उंगलियां फैली हुई हों तो सभी अलग अलग दिशाएं दिखाती हैं, और ऐसे में साथ चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन सा हो जाता है। हरियाणा के पुराने राजनीतिक परिवार की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। दरअसल हरियाणा के खाप की ओर से चौटाला परिवार को एक करने की नाकाम कोशिश बहुत हुई। परिवार के दामन पर पड़ी नाकामी के सिलबट्टे कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2018 के अंत से ही हो गई थी, जब चौटाला परिवार में पॉलिटिकल रार बढ़ी थी, तो उसने सिर्फ परिवार को ही नहीं प्रदेश की राजनीति पर भी असर डाला था। चौटाला परिवार को सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब दुष्यंत चौटाला ने नया झंडा और नया डंडा का नारा दिया, और ठीक उसके बाद 9 दिसंबर 2018 को दुष्यंत चौटाला ने नई पार्टी का ऐलान कर दिया। ये चौटाला परिवार में बिखराव के बाद रार का सबसे बड़ा कदम था। इसके बाद से ही चौटाला परिवार राजनीति के मैदान में दूर होते गए। लेकिन अब 2019 विधानसभा चुनाव की आहट तेज होने के साथ ही इन्हें एक करने का खापों ने बीड़ा उठाया। इसके बाद सबसे पहले उन्होंने दिल्ली में अभय चौटाला से मुलाकात की, और अभय चौटाला ने मुहर लगाते हुए कहा कि खाप जो फैसला लेगी उन्हें मंजूर होगा। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अजय चौटाला कहेंगे तो वो राजनीति भी छोड़ देंगे। सामाजिक तौर पे प्रदेश के लोगों की बात को करते हैं। उन्होंने मुझे उस वक्त आकर के इन सब बातों को मेरे सामने रखा था, और मैंने उनको उसी दिन कहा कि मैं हमेशा समाज का सम्मान करता हूँ, आप जो फैसला करेंगे मुझे मंजूर है। फैसला आज भी जो कहते हैं, मैंने पहले दिन कहा था कि जो खाप पंचायत फैसला करेगी मुझे मंजूर है, और मुझे खाप पंचायत के अलावा भी अजय सिंह चौटाला क्या फैसला करे मुझे वो भी मंजूर है। अगर अजय सिंह चौटाला मुझे ये कहेगा कि तू राजनीतिक रूप से घर बैठ जा, इनको आगे होकर के राजनीति करने दे, तो मैं वो बड़े भाई के नाते उसकी उस बात को भी स्वीकार करूँगा। लेकिन अगर अजय सिंह चौटाला कुछ नहीं बोल पा रहे तो फिर आप इस बात का स्वयं अंदाजा लगा सकते हो कि अजय सिंह चौटाला की स्वयं की राजनीतिक हालत आज क्या है। खाप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही थी, और तय नीति के मुताबिक अभय चौटाला के बाद उन्होंने सिरसा स्थित तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर ओपी चौटाला से मुलाकात की। यहां से भी उन्हें सकारात्मक परिणाम मिले। चौटाला परिवार को एक करने की कोशिश में जुटे खाप अब अपने अगले पड़ाव पर पहुंचे पंजाब, जहां उन्होंने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और चौटाला परिवार के बेहद करीबी प्रकाश सिंह बादल से मुलाकात की। यहां से भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा। प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, चौटाला परिवार को एक हो जाना चाहिए। समाजिक तलकात साडा उन्हां नाल बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी भी परिवार नाल तुसीं करो ना समाजिक तलक मेरा तो चौटाला परिवार नाल, और मैं चाहना कि वो एज सोशल पोलिटिकल को ऐ नहीं, मैं तो पोलिटिकल तौर पर उन्हां दा आप भी जो परिवार ही खिलर खुलर जाए भुल जा भी आदमी समझता भी अज मैं पोलीटिकली कमजोर हाँ, की फर्क पैदा है। चले चले उदू बाद 15 साल राज भी कर लिया। इस करके ये मन से कदे ना बोझ करे, ये पॉलिटिक्स उतार चढ़ा आते रहते। अब इस पिक्चर के क्लाइमेक्स को भी जान लीजिए। इतनी जगहों पर पॉजिटिव परिणाम मिलने के बाद गेंद दुष्यंत चौटाला की प्रतिक्रिया पर अब अपना अगला रुख दिखाने वाली थी, लेकिन दुष्यंत ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि जो फैसला लेंगे वो अजय चौटाला ही लेंगे। स्पष्टीकरण इस चीज पर भी देना चाहिए, क्या ये राजनीतिक मूवमेंट है? अगर राजनीतिक मूवमेंट है तो मैं खुले आप आपके माध्यम से भी कहता हूँ कि फिर इसको चौटाला परिवार तक सीमित ना रखें, इसको चौधरी देवीलाल के परिवार तक सीमित किया जाए, जिसके अंदर चौधरी रंजीत सिंह भी थी, स्वर्गीय चौधरी जगदीश चौटाला जी का परिवार भी, सबको साथ लाने की बात करी थी। केवल मात्र घुमा फिरा के दुष्यंत को टारगेट ना बनाया जाए। जब हमने राजनीतिक तौर पर जो फैसले की बात है चंडीगढ़ के अंदर, उसमें स्पष्टीकरण दे दिया कि अगर कोई फैसला होगा तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने कहा है कि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो स्वयं बादल साहब और चौटाला साहब उनको जहां मिला।
दुष्यंत के इस बयान के बाद खाप और हमलावर हो गया और ये कहने लगे कि जो देरी हो रही है वो दुष्यंत चौटाला की वजह से हो रही है। हालांकि दुष्यंत ने रोहतक में इसका जवाब दिया और कहा कि जिस खाप को आज परिवार को एक करने की फिक्र है वो तब कहां थे जब उन्हें इनेलो से निकाला गया था। नायक जनता पार्टी जब बनी थी, जब हमें पार्टी से निकाला गया था इंडियन नेशनल लोकदल से, तब क्या ये रिप्रेजेंटेटिव एक होकर हमारे साथ नहीं खड़े हो सकते थे? क्या आज 10 महीने बाद जब जननायक जनता पार्टी का एक स्टैंड इस प्रदेश में है, तब ये हमारे ऊपर ही राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है? खैर, रास्ते जब अलग हो जाएं लेकिन मंजिल एक हो और मंजिल तक पहुंचने की होड़ भी हो तो जंग दिलचस्प हो जाती है। इन दोनों दलों के सामने मिशन विधानसभा है, लेकिन फिलहाल यही लगता है कि ये आपसी गुत्थम गुत्थी में ही उलझे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो सुना आपने कि दोनों परिवारों के बीच किस तरह से जो ये कहीं ना कहीं से कहा ये जा रहा था कि दोनों परिवार हो सकता है एक हो जाए, लेकिन दुष्यंत चौटाला के इस बयान ने उन सभी कयासों पर पानी फेर दिया है। जिस तरह से दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जब INLD यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल से मुझे निकाला जा रहा था तब खाप पंचायत कहां थी, बड़ा आरोप है खाप पंचायत पर। और जिसके बाद कहीं ना कहीं से खाप पंचायत ने भी ये जो समझौता है इससे अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। तो पॉलिटिकल जंग नहीं, खाप भी मजबूर, मध्यस्थता से होगी दूर। बहुत सारे सवाल एक साथ हैं और इसी बीच दुष्यंत चौटाला ने 7 टिकटों के भी ऐलान कर दिए। JJP के 7 उम्मीदवार हरियाणा के अंदर ये ऐलान कर दिए, जो कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल ये भी उठाते हैं कि क्या दुष्यंत को काफी जल्दी थी खुद के प्रत्याशी खड़े करने की, या फिर उनको किसी भी हाल में समझौता मंजूर नहीं है। हालांकि अगर बात करें अभय चौटाला की, तो अभय चौटाला का तो ये कहना है कि अगर अजय चौटाला कहते हैं तो वो राजनीति भी छोड़ देंगे। तो वही दुष्यंत चौटाला ने भी कहा कि जो फैसला लेंगे अजय चौटाला लेंगे, अजय चौटाला का हर फैसला मंजूर होगा। लेकिन इन फैसला और इस फैसले के इंतजार के बीच 7 टिकटों का ऐलान जो उन्होंने किया है, JJP के 7 उम्मीदवार जो मैदान में उतारे हैं, वो कहीं ना कहीं से एक बड़ा सवाल जरूर खड़ी करती है। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब मेरी पार्टी का स्टैंड आज पूरे प्रदेश भर में हो गया है तब ये सुलह समझौता की बात की जा रही है और दोनों परिवारों को एक करने की बात की जा रही है खाप पंचायत की तरफ से, और तब खाप पंचायत कहा थी जब इंडियन नेशनल लोकदल से हम सबको निकाला गया। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।